वेलकम टू बैक माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक जो है चैप्टर नंबर 8, मेरे दो भैया। ये एक कहानी त्योहारों पर आधारित है। इस कहानी में ये बताने की कोशिश की गई है जो त्योहार है वो आपस में जितने भी भेदभाव है उनको खत्म करते हैं। तो इसमें जो मेन पात्र हैं वो सबसे पहले एक लड़की है सुबी, उसके जैसे दो भाई है नीटू और छोटू। और त्यौहार रक्षाबंधन का त्यौहार है, उस समय में ऐसी क्या बातचीत होती है कि भेदभाव जो खत्म करने की प्रक्रिया है इस पर आधारित है, वो हम इसमें पढ़ेंगे। पेज नंबर 50, चैप्टर नंबर 8, मेरे दो भैया। आज रक्षाबंधन है। नटखट सुबी कल से ही इसकी तैयारियों में जुटी थी। कल वह अपनी माँ के साथ बाजार गई, उसे अपने भाई नीटू के लिए राखी जो खरीदनी थी। बाजार में रंग बिरंगी तरह तरह की राखियां देखकर सुबी को समझ नहीं आ रहा था वह कौन सी राखी खरीदे, सितारे वाली या गुड्डे वाली। अब वो बाजार जाती है, दो राखियां खरीदती है, एक सितारे वाली खरीदती है, एक गुड्डे वाली। फिर कुछ देर बाद सुबी ने तय किया, उसने डिसाइड किया, तय अर्थात निश्चय किया, वो दोनों राखियां लेगी, एक सितारे वाली दूसरी गुड्डे वाली। दोनों ही उसे खूब भा रही थी। उसने सोचा नीटू भैया को दोनों में से जो पसंद आएगी वह भा देगी। आज सुबह तैयार होकर अपने नीटू भाई का इंतजार कर रही है। माँ भैया कब तैयार होकर आएंगे, मैं कब राखी बांधूंगी, इतनी देर होगी, वो कहती है अपनी माँ को। सुबह माँ कुछ बोलती इससे पहले ही नहा धोकर नए कपड़े पहनकर नीटू आ गया, उसका छोटा भाई है नीटू। अब सुबी ने अपने भाई को तिलक लगाया, उसकी मनपसंद सितारे वाली राखी बांधी, फिर रसगुल्ला भी खिलाया। सुबी चहकते हुए बोली भैया मेरा उपहार कहाँ है, कल से सोच रही हूँ इस बार आप मुझे क्या देंगे। उपहार कैसा, सुबी को चिढ़ाते हुए नीटू बोला। अब सुबी जो है जैसे कि सभी भाई बहन करते हैं राखी बांधते हुए कहते हैं कि मुझे बहन राखी देती है, भाई उसे उपहार देता है, लेकिन बहन उसे कहती है कि मेरा मुझे पहला उपहार दिखाओ। उसी तरह से दोनों में छोटी नोकझोंक भी होती है। आपको पता नहीं है रक्षाबंधन पर बहन भाई को राखी बांधती है और भाई बहन को उपहार देते हैं। नीटू ने अपने पीछे छिपाई हुई एक सुंदर सी गुड़िया निकालकर सुबी को दे दी। अब वो गुड़िया देता है उसे उपहार के रूप में। उपहार देकर सुबी उछल पड़ी, फिर अचानक उसे दरवाजे के पीछे छोटू दिखाई दिया। जो छोटू था ना उनके घर में जो लक्ष्मी काम वाली थी उसका बेटा था, वो देख रहा था सारा कुछ। जो दरवाजे की आड़ में सब बैठा था, छोटू लक्ष्मी का बेटा है, लक्ष्मी घर में साफ सफाई करने आती है। सुबी ने उसे बुलाया और पूछा क्या हुआ छोटू, तुम इतने उदास क्यों हो, तुमने राखी नहीं बंधवाई। छोटू बोला मेरी कोई बहन नहीं है, मुझे कौन राखी बांधेगा। तभी सुबी की माँ प्यार से बोली सुबी बेटा छोटू को भी राखी बांधो। अब वो इतना बेचारेपन से खड़ा कि उसकी कोई बहन नहीं है, वो चोरी छुपके से देख रहा है, लेकिन जो सुबी की माँ होती है वो उसे कहती है कि सुबी तुम भी इसको राखी बांधो। सुबी ने छोटी को गुड्डी वाली राखी बांधी और एक बड़ा सा रसगुल्ला खिलाया, लेकिन अभी भी छोटू उदास था। वह दुखी मन से बोला सुबी मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए कोई उपहार नहीं है। माँ ने छोटू के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा आज से सुबी की मदद करने के लिए एक नहीं दो भाई है, एक नीटू और एक तुम, ये सुबी का सबसे बड़ा उपहार है। सभी तभी समझदार बनते हुए सुबी बोली हाँ अब मेरे एक नहीं दो भैया हैं। ये सुनकर छोटू के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तो देखो कितना अच्छी बात उसकी माँ ने बोली कि जरूरी नहीं है कि आपको आपका भाई उपहार ही दे, वो आपके साथ रहता है, आपकी मुश्किलों में साथ देता है, सबसे बड़ा ये उपहार होता है। संदेश इसका ये है कि त्योहार भेदभाव दूर करके खुशियां लेकर आता है। किसी भी धर्म से संबंधित हो आप, त्योहार का मकसद ये होता है कि आपकी आपस में भाईचारे की भावना पैदा करना, भेदभाव को दूर करना, आपस में प्यार बांटना, जैसे क्रिसमस, ईद, रक्षाबंधन, दीपावली, ये त्योहार आपस में भाईचारे की भावना पैदा करते हैं और दूरियों को मिटाते हैं। ओके, तो ये आगे हमारे जो वर्ड मीनिंग्स है इसके पार्ट 8, मेरे दो भैया। तय का अर्थ होता है, इसमें जो शब्द आया था उसका अर्थ है निश्चय, भाना यानी कि कोई भी चीज है उसका पसंद आना, उदास, दुखी, मदद, सहायता, इंतजार, परीक्षा, ठीक है, ये होता है। इसके आपने वर्ड मीनिंग साथ में लर्न करने हैं और चैप्टर की अच्छी तरह से रीडिंग भी करनी है। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।